हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कल केतन ने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट दिया था, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं उसके लिए एज अ रिटर्न बिरयानी बनाऊंगी। यस, एक्चुअली अंजलि बहुत अच्छी कुक है। वो बहुत सारी डिशेस बनाती है, जैसे डिशेस आप रेस्टोरेंट में खाते हो, और वो खा खा के उसने मुझे मोटा कर दिया है। और उसमें भी उसकी फेवरेट डिश है बिरयानी, तो आज वो बनाने वाली ऐसा कह रही है, और वो टेस्टी बनाती है। लेट्स सी आज कैसे बनती है। आज मैं तो डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। डिफरेंट मतलब मैंने इसके पहले इस टाइप की बिरयानी तुम्हारे हाथ से खाई नहीं है, राइट? हाँ। चलो ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं। ऐसे नो कि मैं हमेशा मतलब कुछ ना कुछ अलग बनाते रहती हूँ। हाँ, ट्राई करते रहती हूँ। चलो देखते हैं। गाइज, काफ़ी अच्छा सेटअप किया है अंजलि ने। ये सेटअप सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए है। तो थोड़ा सा बता दो अंजलि, ये क्या क्या है? खड़े मसाले, जीरा पाउडर, ड्राई फ्रूट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, राइस के लिए खड़े मसाले, धनिया पाउडर, नमक, बिरयानी मसाला, लाल मिर्च और हल्दी, और यह चॉप टोमेटोज, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, फ्रेश कर्ड एंड फ्राइड अनियन, 30 मिनट सोखे हुए बासमती राइस, और यह प्री कुक मटन जिसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक डाल के इसको कुक कर दिया है, और ये है उसमें की ग्रेवी जो कि बहुत हेल्दी होती है। मैंने पैन में पहले से ही ऑयल था, और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है बटर। इसके बाद ये राइस के लिए पानी रखा है जो कि उबाल गया है, उसमें डालूंगी मैं मसाले और नमक, थोड़ा ज़्यादा नमक डालूंगी। उसके बाद मैं उसमें डालूंगी राइस, सोक राइस, और उसको 7 to 8 मिनट्स के लिए पकने दूंगी। हमारा ऑयल हो गया है अभी गरम, इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी खड़े मसाले। इसको स्टर करने के बाद मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको 1 मिनट तक पकने दूंगी। फिर इसमें जाएगी हल्दी, लाल मिर्च एज पर योर टेस्ट, देन जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, देन थोड़ा सा बिरयानी मसाला, और इसको पकने देने के बाद इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। बाद में इसमें ऐड करना है फ्रेश कर्ड। इसको थोड़ा सा पकने के बाद आप इसमें डालेंगे चॉप टोमेटोज। तो इसमें तुम ग्रेवी अलग कर रहे हो? इसमें मैं पूरा मतलब मटन वगैरह सब डाल के इसे इधर बनाऊंगी, और उसमें मैं सिर्फ राइस डालूंगी। अच्छा, मतलब इस बार वैसी ही बनती है। अच्छा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ अनियन, देन थोड़े पुदीने के पत्ते, और इसको अच्छे से स्टर कर लूंगी। अब इसमें ऐड करना है प्री कुक मटन, और हमारा राइस अभी पक गया है तो इसको ड्रेन आउट कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कितना खुला हुआ राइस बना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी राइस की लेयर, देन फ्राइड ऑनियन की लेयर, धनिया और पुदीने के पत्ते, देन आपको ये सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एक स्पेशल और डिफरेंट टाइप की बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो मैं आज इसमें डालने वाली हूँ चीज़। आप भी ट्राई कीजिए चीज़ बिरयानी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बाद में मैं इसे डालूंगी घी, देन थोड़ा सा नमक, और देन बिरयानी मसाला। अब इसको 2 मिनट के लिए हमको पकने देना है। हो गए है 2 मिनट, आप देख सकते हो बहुत अच्छी दिख रही है बिरयानी। बिरयानी के साथ में बनाने वाली हूँ आज अंगूर रायता, जिसके लिए मैंने अंगूर चॉप कर लिए है। रायता में सबसे पहले मैं डालूंगी फ्रेश कर्ड, देन काला नमक, शुगर एज पर योर टेस्ट, चीज़, मायोनीज, इसको अच्छे से स्टर कर लेना है। बाद में मैं इसमें डालूंगी चॉप अंगूर और धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और रायता हो गया रेडी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो बताओ बिरयानी कैसी बनी है आज की? अच्छी बनी है। एक्चुअली ये चीज़ बिरयानी है, थोड़ा डिफरेंट स्वाद आ रहा है इसका। हाँ।
तो गाइस अभी जस्ट खा ली है बिरयानी। तो कैसा लगा बिरयानी खा के? थक गया मैं बिरयानी खा के। एक्चुअली बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी और बहुत ज़्यादा खाई मैंने, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, बट बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी। थैंक्स फॉर बिरयानी।